Hello, students. Earlier, we have already discussed 16 terms. Today, we will proceed to the next, that is 17. Stock, or you can say it inventory also. The term stock includes the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of accounting period. स्टॉक या इन्वेंट्री का क्या मतलब है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में एंड में सपोज थर्टी फर्स्ट मार्च को वो जो भी गुड्स जिसमें हम डील करते हैं या जो हमने परचेस किया था रीसेल पर्पस के लिए और वो बिका ही नहीं अनसोल्ड पड़ा रह गया तो उसको हम फेंक नहीं देते वो हमारी एसेट होती है इसलिए, इसलिए उसको हम स्टॉक में इंक्लूड करते हैं अगर टाइम पीरियड के बेस पर देखा जाए तो स्टॉक के दो टाइप्स होते हैं फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक एंड सेकेंड है क्लोजिंग स्टॉक जो भी करेंट ईयर चल रहा है या जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसकी बिगनिंग में सपोज़ फर्स्ट अप्रैल 2019 में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे और इसी ईयर का एंड होगा 31 मार्च 20 तो यहाँ पर जो स्टॉक जितना स्टॉक पड़ा है दैट इज़ अवर क्लोजिंग स्टॉक और अगर नेचर की बात की जाए तो वैसे स्टॉक या इन्वेंट्री के थ्री काइंड्स होते हैं एक होती है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एक होता है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एक है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स तो रॉ मटेरियल क्या होता है जिस भी गुड्स में हम डील करते हैं उसमें हम जो भी कच्चा माल रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं और वो एंड में अनयूज़ पड़ा हुआ है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड तो उसको हम इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कहेंगे नेक्स्ट है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस को वर्क इन प्रोसेस भी कहते हैं और सेमी फिनिश गुड्स भी बोलते हैं ये ना तो बिल्कुल ही कच्चा माल है यानी रॉ और ना ही पूरा फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है पूरा बना भी नहीं है अभी ये आधा अधूरा बना है मीन्स इसकी मैनुफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग प्रोडक्शन अभी चल रहा है सपोज हमारी हमारी बिजनेस में शर्ट्स बनाकर बेची जाती हैं क्लोथ से तो अभी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है तो इसको हम वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश गुड्स बोलते हैं इसका जो भी गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड है दैट इज़ इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस थर्ड है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स का मतलब जो माल बिल्कुल बनकर तैयार है जिसको हम फिनिश प्रोडक्ट कह सकते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल गया है और सेल के लिए रेडी है कंप्लीटली प्रोसेसिंग इसकी हो चुकी है जैसे शर्ट बन गई है ब्रेड बन गई है चौक डस्टर बन गए हैं बुक्स बन गई हैं जिसको कस्टमर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम जितना भी गुड्स प्रोड्यूस करें वो सारा ही बिक जाए सपोज हमने 500 शर्ट्स बनाई हैं और इसमें से 400 शर्ट ही सोल्ड हो पाई तो 100 शर्ट की जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड उसको क्या कहा जाएगा इन्वेंट्री ऑफ फिनिश है ट्रेड रिसीवेबल्स जैसा कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इनसे हमें पैसा रिसीव होगा और ये ट्रेड यानी हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं जिनको हमने नॉर्मल रूटीन में कोई गुड्स सोल्ड किया हुआ है या सर्विसेज रेंडर की हुई हैं जो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है ऑर्डनरी बिजनेस भी इसको हम कह सकते हैं ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इसमें हम डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स दोनों को काउंट करेंगे डेटर्स कौन होते हैं इट रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन और एन एंटिटी हु ओज अमाउंट टू द बिजनेस अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ़ गुड्स और क्रेडिट सर्विसेज़ रेंडर्ड वो कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन एन का मतलब है कोई भी इकोनॉमिक यूनिट कोई कंपनी हो सकती है कोई सोसाइटी हो सकती है कोई फर्म कोई एंटरप्राइज हो सकती है एन का मतलब जो भी इकोनॉमिक यूनिट जो बिजनेस में लगी हुई है अगर हमने किसी भी एंटिटी, किसी भी पर्सन को उधार माल बेचा है या क्रेडिट में सर्विसेज रेंडर की हुई हैं तो उनसे हमको पैसा अभी लेना है अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है तो जब तक पेमेंट ये पर्सन दे नहीं देते इनको हम क्या कहेंगे डेटर्स इसी के साथ ही है बिल रिसीवेबल। कई बार कस्टमर को हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो उससे रिटर्न में कुछ प्रॉमिस लेते हैं तो हम उसके ऊपर एक बिल लिखेंगे जिसको वो एक्सेप्ट करेगा हम ड्रॉयर कहलाएंगे और वो ड्रॉई कहलाएगा वो एक्सेप्ट करेगा यानी कि अपने साइन करके देगा कि वो आज से दो या तीन महीने बाद एक स्पेसिफाइड पीरियड के एंड में बिल की पेमेंट कर देगा तो ये उसकी लाइबलिटी है और हमारी एसेट है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे तो डेटर एंड बी आर दोनों ही ट्रेड रिसीवेबल्स में आते हैं इन दोनों से ही हमें पैसा मिलेगा ये दोनों हमारी करेंट एसेट्स होती हैं नाइनटीन टर्म है ट्रेड पेबल्स जैसा ट्रेड रिसीवेबल्स था उसमें हमें पैसा मिलता है ट्रेड पेएबल्स जिसमें हमने पैसा देना होता है ट्रेड रिसीवेबल्स अगर हमारे कस्टमर से रिलेटेड है तो ट्रेड पेएबल्स हमारे सप्लायर से रिलेटेड है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमें कई बार उधार माल खरीदना भी पड़ता है वो हम अपने सप्लायर से लेते हैं या कई सर्विसेज हम उनसे अवेल कर लेते हैं सर्विसेज ले लेते हैं पर अभी पैसे नहीं है तो हम उनको पैसे नहीं दे पाते लेकिन हम उनको बाद में पैसे देंगे जो भी हमने उनसे गुड्स परचेज किया है तो उसकी पेमेंट बाद में होगी तो इसको हम ट्रेड पेबल्स बोलते हैं इसमें क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों आएंगे क्रेडिटर्स कौन होते हैं वो कोई भी पर्सन या कोई भी एंटरप्राइज एनी इकोनॉमिक यूनिट जिनसे हमने गुड्स उधार परचेज किया था और पेमेंट नहीं करी तो वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाएंगे। सम मनी इज़ स्टिल ओइंग टू देम। इसका मतलब है कुछ पैसा हमने उनको अभी भी चुकाना है पे करना है ऐसे ही है बिल्स पेबल अगर हम किसी का लिखा हुआ बिल एक्सेप्ट करते हैं कि आज से दो तीन महीने बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे तो इट इज़ अवर लैबिलिटी डेटर्स एंड बी आर हमारी एसेट होती हैं क्रेडिटर्स एंड बी पी हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं ट्वेंटी एय टर्म इज़ कॉस्ट इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और एक्टिविटी किसी भी एक काम को करने में या किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारी जो भी कॉस्टिंग आई है जो भी खर्चा उस पर लगा है उसे हम कॉस्ट बोलेंगे सपोज हमने एक पेन कितने में बनाया एक बुक कितने में बनाई एक मशीनरी की कॉस्ट कैसे निकालते हैं जैसे एक मशीनरी सपोज़ हमने फिफ्टी थाउजेंड में परचेज़ करी उसको हमने आ, बॉम्बे से मंगवाया और यहाँ से मालगाड़ी के थ्रू उसका फ्रेट भी लग गया फ्रेट का मतलब किराया और एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में हमने उसको इंस्टॉल लगाया भी है तो जितने भी खर्चे हुए सपोज़ पचास हज़ार की मशीन फ्रेट का लग गया फाइव थाउजेंड और उसको इंस्टॉल करने का लग गया फ़ाइव थाउजेंड और तो टोटल हम कहेंगे कि हमें मशीनरी सिक्सटी थाउजेंड की पड़ी तो सारे ओवरहेड्स मिला कि हम किसी भी प्रोडक्ट की एक्टिविटी की किसी भी एसेट की हम कॉस्ट निकालते हैं ट्वेंटी वन टर्म इज़ वाउचर वाउचर क्या है एक एविडेंस है जिसके बेस पर सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में जो हमारी अकाउंट्स की बुक्स होती हैं जैसे जर्नल वगैरह उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं जितनी भी ट्रांजेक्शन्स नज़र आ रही हैं उनको हम ऐसे ही नहीं लिख सकते अगर हम लिख रहे हैं कि गुड्स परचेज़ किया है राम से फिफ्टी थाउजेंड का या गुड्स सोल्ड किया है शाम को ट्वेंटी थाउजेंड का तो उसके पीछे कोई ऑथेंटिक प्रूफ यानी कि वाउचर एविडेंस होना चाहिए तो कुछ चीज़ों के वाउचर्स जैसे कैश पीमो इन्वायस ये सब हमारे पास होते हैं अगर नहीं है तो पहले हमें वाउचर बनाना पड़ेगा वाउचर के बेस पर ही सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स की बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं ट्वेंटी टू टर्म इज़ डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब किसी भी टाइम टाइप का अलाउंसिस या प्राइस में रिडक्शन कमी करना छूट देना जब सेलर बायर को देगा सपोज हमने किसी को गुड सोल्ड किया है टेन थाउजेंड का और हम उसको टेन परसेंट या थोड़ा बहुत ऑफ दे देते हैं तो ये हमारा डिस्काउंट कहलाएगा मेनली डिस्काउंट टू टाइप का होता है एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है वैन डिस्काउंट इज अलाउड बाई अलर टू इट्स कस्टमर एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइज और कैटलॉग प्राइज ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट सपोज हम सैलर हैं और कोई कस्टमर हमसे काफ़ी लार्ज क्वान्टिटी में बल्क में गुड्स परचेज करता है फिफ्टी थाउजेंड का सपोज और उसने हमसे टेन परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट मांगा तो हम उसको टेन परसेंट लिस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं तो फिफ्टी थाउजेंड का टेन परसेंट फाइव थाउजेंड तो हम उसका जो बिल यानी इन्वाइस बनाएंगे वो फोर्टी फाइव थाउजेंड पर बनाएंगे नॉर्मली ये सैलर्स जो होते हैं ट्रेड डिस्काउंट देते ही रहते हैं और एक होता है कैश डिस्काउंट वैन डिस्काउंट इज़ अलाउड टू द कस्टमर्स फॉर मेकिंग प्रोम पेमेंट यहाँ पर एक वर्ड है prompt. इट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट तो जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो हम कस्टमर को अगर हम किसी को पैसा अगर हम किसी को गुड्स सोल्ड करते हैं और हम कहते हैं कि अभी आप पेमेंट कर दे प्रॉम का मतलब शीघ्र जल्दी से जल्दी ठीक है तो उस कस्टमर को हम स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऑफ दे देते हैं जैसे हमने किसी कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया है फोर्टी थाउजेंड का और हम उसको कह रहे हैं कि अभी माल की पेमेंट कर दो ठीक है तो हम उसको फाइव परसेंट और ऑफ दे देते हैं तो वो हमारा कैश डिस्काउंट होता है जो कैश के मिलने पर ही दिया जाएगा तो फोर्टी थाउजेंड का फाइव परसेंट यानी कि टू थाउजेंड उसको नहीं देना पड़ेगा ये हमने उसको अलाउंसेज या रिडक्शन इन प्राइस दे दिया तो वो हमें थर्टी फाइव थाउजेंड की ही पेमेंट करेगा ट्वेंटी थर्ड टर्म इज जीएसटी जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसके ऊपर भी पूरा चैप्टर है जर्नल है या लेजर है सबके साथ जीएसटी आएगा पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जैसे एक्साइज़ ड्यूटी जब हम बाहर से गुड्स इंपोर्ट करते हैं सेल्स टैक्स जो सेल पर देना पड़ता है वैल्यू एडेड टैक्स सर्विस टैक्स सब अलग अलग टाइप के टैक्सेस को एक ही टैक्स में मर्ज कर दिया गया है जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब हम गुड्स परचेज करते हैं आप अपने सप्लायर से क्रेडिटर से तो हम जीएसटी पे करते हैं और जब हम किसी कस्टमर को गुड्स सोल्ड करते हैं तो हम उससे जीएसटी कलेक्ट करते हैं कलेक्टेड में से पेड माइनस करके जो भी डिफरेंस है वो हमें जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना होता है ट्वेंटी फोर्थ आर में बैड डेट्स डेट्स वर्ड जो बना है डेटर से बना है डेटर अभी आपने सीखा कौन होते हैं जिन पर्सन से हमको पैसा लेना है क्योंकि हमने उनको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया था या सर्विसेज रेंडर की हुई थी तो बैड डेट्स का मतलब कि जिन डेटर्स ने हमें पैसा देना है पर वो नहीं दे पा रहे यानी कि अमाउंट इकवरेबल है इसकी कोई भी वजह या रीज़न हो सकता है हो सकता है उनके पास पैसे नहीं हैं या वो देना नहीं चाहते कोर्ट ने उनको बैंक्रप्ट यानी कि इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर दिया है वो दे पाने की कंडीशन में ही नहीं है तो ये हमारा नॉर्मल लॉस होता है ऐसा बिजनेस में होता ही रहता है इट इज़ नॉट एन अब नॉर्मल लॉस हमारे इतने सारे डेटर्स होते हैं बहुत सारे कस्टमर्स को हम उधार माल बेचते हैं ए बी सी डी जेड तक लगा लीजिए तो उनमें से दो तीन डेटर ऐसे हो सकते हैं कि जो हमें पैसा ना दें तो ये हमारा बैड डेट्स कहलाएगा इर्रिक, रिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स लास्ट टर्म है ट्वेंटी फिफ्थ डेप्रिसिएशन जितनी भी हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं जैसे मशीनरी प्लांट बिल्डिंग कंप्यूटर्स इक्विपमेंट्स वगैरह इनका नॉर्मल वियर एंड टीयर होता ही रहता है अगर हम इनको ना भी यूज़ करें तो भी टाइम बीतता रहेगा तो ये पड़ी पड़ी इनकी जो वैल्यू है ये डिक्रीज होगी ही हो होगी तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ग्रेजुअली डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट कई चीज़ें पुरानी हो जाती हैं या एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी वैल्यू वो नहीं रहती है जितने पे हमने उनको ख़रीदा था मशीनरी है पाँच साल बाद सात साल बाद उसकी वैल्यू जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते रहेंगे तो डेप्रिसिएशन भी ना चाहते हुए हमारा एक ऐसा लॉस है जो हमें बी करना ही पड़ता है वट इज़ अकाउंटिंग अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग कलेक्टिंग रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग इंटरप्रिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू दी यूजर्स अकाउंटिंग जो कि हमने फर्स्ट क्लास में भी सीखा था कि अकाउंटिंग क्या है अकाउंटिंग का ये मतलब है जितनी भी अकाउंट से रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो यूज़र्स तक पहुँचाना अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं उनका मेजरमेंट यानी मॉनीटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं सारा डेटा कलेक्ट करते हैं उनको सिस्टमेटिकली रूल वाइज जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं लेजर में क्लासिफाई करते हैं फिर उनके बैलेंसेस निकाल के समरी बनाते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की हेल्प से एनालाइज करते हैं उनका इंटरप्रिटेशन यानी रिजल्ट निकाल के डिफरेंट पार्टीज़ को यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं नेक्स्ट टर्म इज़ बुक कीपिंग बुक कीपिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर तो बुक कीपिंग में मेनली रिकॉर्ड करने का काम आता है बुक कीपिंग यानी बुक्स मेंटेन करना अकाउंट से रिलेटेड बुक्स जर्नल लेजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये जितनी भी बुक्स हैं इसमें हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और क्लासीफाई करते हैं अकाउंटेंसी जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम है अकाउंटेंसी आपकी बुक के ऊपर भी अकाउंटेंसी वर्ड लिखा होता है अकाउंट्स नहीं है और अकाउंटिंग भी नहीं है अकाउंटेंसी इज़ अ वाइडर कंसेप्ट जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है चाहे वो अकाउंटिंग हो या फिर बुक कीपिंग अकाउंटेंसी इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग दैट इज इट एजुकेट्स हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी ये वो सब्जेक्ट है जिसमें हम सीखते हैं कि अकाउंट्स कैसे कैसे करना है इसके पीछे क्या क्या लॉ है नेक्स्ट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में भी सीखेंगे कि एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है जिससे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कितना नेट प्रॉफिट या कितना नेट लॉस हुआ ये हम फाइंड आउट करते हैं बैलेंस शीट जिसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं ये एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनती है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें आती हैं एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट बैलेंस शीट हमें एक पर्टिकुलर डेट को सपोज 31 मार्च 2020 को पूरी कंपनी की पोजीशन बताती है पोजीशन में मेनली क्या क्या आता है एसेट्स लाइबिलिटीज और कैपिटल हमने एक एक अकाउंटिंग क्वेश्चन भी सीखी थी, थी कि कैपिटल क्या होती है एसेट माइनस लैबिलिटी और यू कैन से लैबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पर मैनेजर्स फोरकास्टिंग करते हैं यानी फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेते हैं डाटा को कंपेयर करते हैं इवेल्यूशन करते हैं ताकि परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है या नहीं पोजीशन पहले से अच्छी हुई है या नहीं इसके बारे में जान सकें और डिसीजन ले सकें नेक्स्ट टर्म इज़ डबल एंट्री सिस्टम हमारा जो भी अकाउंट्स पे सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम का मतलब हर ट्रांजेक्शन के हर आस्पेक्ट के हर ट्रांज़ेक्शन के दो आस्पेक्ट्स होते हैं एक डेबिट और एक क्रेडिट हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट का एक डेबिट होगा जैसे क्लोथ को अगर हमें कट करना है कैंची से तो उसके दोनों सीजर्स के दोनों ब्लेड्स की ज़रूरत होती है अगर आपके हाथ में कॉइन दिया जाए तो उसमें हेड एंड टेल दोनों हैं सिमिलरली अकाउंट्स में भी ट्रांजेक्शन के दो रूप दो एस्पेक्ट्स होते हैं एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा हर क्रेडिट का एक डेबिट ज़रूर होगा इसी पर ही हमारे अकाउंट्स आगे बनेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे दैट इज डबल एंट्री सिस्टम और लास्ट है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ये डबल एंट्री की तरह कंप्लीट नहीं होता बट जो स्मॉल बिजनेस हैं या शॉपकीपर्स वगैरह हैं वो डबल एंट्री सिस्टम नहीं सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं इसमें कुछ ही मेन जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है सारी बुक सारी लेजर जो है नहीं बनाए जाते हैं थैंक यू